जो कोच के यहाँ पास पड़ो है बाजी मेरे इतनो मारो मैं गिर गो। ये खोपड़ी फटी जा रही बाजी, खोपड़ी में एक पांच लगे भाई बाजी। फिर मेरे कमर मारो बाजी, इतना मारो मैं ये कमर में बाजी, कमर फटी जा रही बहुत मारो मेरे, फटा जा रहा मूड, फटा जा मैं हाथ फटा जा रहा। देखिए इस रोते बिलखते आदमी को जो बेइंतहा दर्द के मारे तड़प रहा है, जो कुछ खाने और पीने तक को भी तैयार नहीं। क्या लगता है आपको क्या कसूर रहा होगा इस गरीब का जो यूं इस दर्द में कराह रहा है। दरअसल ये शख्स सोहना के ताऊ देवीलाल खेल स्टेडियम में चौकीदार का काम करता है, जिसका नाम संजीव है। संजीव का ये हाल कैसे हुआ सुनकर शायद आप भी सहम जाएंगे। दरअसल संजीव को अपनी ईमानदारी उस वक्त भारी पड़ गई जब कुछ युवक खेल स्टेडियम में लगे पानी की आरओ की टूटी को चोरी करने के इरादे से तोड़ रहे थे। जैसे ही संजीव ने उन्हें देखा वो दौड़कर उनके पास गया और उन्हें टूटी तोड़ने से मना करने लगा। इतने में युवकों ने वहां पर पड़े बांस के डंडों से चौकीदार पर हमला बोल दिया और उसे बेरहमी से पीट पीट कर अधमरा कर दिया, जिसे आनंद फानंद में सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर अंदरूनी गंभीर चोटें लगने की वजह से डॉक्टरों ने उसे गुरुग्राम रेफर कर दिया। लग रही ठूठी आरो की ठूठी लग रही बात तोड़ रहे बाबूजी, मैंने मना करी सर, मैंने छोरा को मना करी सर, तो मेरे को बांस से इतनो मारो, जो कोच के यहाँ बांस पड़ो है बाबूजी मेरे इतनो मारो मैं गिर गो। फिर मेरे कमर मारो बाबूजी, इतना मारो मैं बहुत मारो मेरे, फटा जा रहा मूड, फटा जा मैं हाथ फटा जा रहा मैं, अगर कोई काम बिगड़ रहा मना करो तो मैं मार खाऊं, और फिर हम और ना मना करो तो फिर हमें ये लोग कहते हैं भाई तू मना नहीं करता। मैं अकेले आदमी स्टेडियम में काम करो रहा और मार किसी को मना करो तो मैं मार खाऊं सर। बता दें कि सोहना का ताऊ देवीलाल खेल स्टेडियम सिटी पुलिस थाने से चंद कदमों की दूरी पर है। इसके अलावा यहाँ से कुछ ही दूरी पर पुलिस की एक मोबाइल वैन भी खड़ी होती है, लेकिन इसके बावजूद भी शरारती तत्वों को ना तो पुलिस का खौफ है न ही कानून का डर। ये शरारती तत्व सरेआम दिन दहाड़े कभी मोबाइल स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देते हैं तो कभी यहाँ पर बैठकर नशा करते नजर आते हैं, लेकिन इन सब के बाद भी सोहना पुलिस आंखों पर पट्टी बांधकर बैठी है और सोहना में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। अब देखना ये होगा कि पुलिस कब तक इन शरारती तत्वों को काबू कर पाती है। सोहना से सतीश कुमार राघव, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।